फाइनली आप सभी की होंडा साइन और होंडा एसपी दोनों ही आप सभी की 125 सीसी की बहुत ही शानदार बाइक है। तो कंपनी होंडा फाइनली इन दोनों ही गाड़ियों को फिर से प्राइसिंग इंक्रीज करने जा रही है। लगभग आपको दोनों ही गाड़ियों में 1500 से 2000 रुपये का प्राइस डिफरेंस हो मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ चुका हूँ, कंपनी क्यों प्राइसें बढ़ा रही है और कब तक बढ़ जाएगी इसकी प्राइसिंग और क्या कुछ ऑल न्यूज़ की प्राइसिंग रहने वाली है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे जो लोग हमारे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे आपके एसपी 125 या साइन बीएसएस के बारे में, दोनों ही बहुत ही शानदार बाइक है 125 सी सेगमेंट की। दोनों ही बाइकों का बहुत ही शानदार डिमांड है इनके सेगमेंट में। उसके साथ ही अगर बात करेंगे तो कंपनी इनकी प्राइसिंग लगभग बीएसएस आने के बाद 5वीं से 6वीं बार इंक्रीज करने जा रही है। अभी तक ठीक से याद भी नहीं कितने बार कंपनी ने प्राइसिंग इंक्रीज कर ली, लगभग 1000, 1500, 2000 करके लगभग 5वीं 6वीं बार जब इस गाड़ी की प्राइसिंग इंक्रीज होने जा रही है। तो क्या कुछ इसकी ऑनली प्राइसिंग आने वाली है और कितना आपको प्राइस डिफरेंस रो मिलने वाला है। पहले बात कर लेते हैं आपके साइन के बारे में। तो साइन के अगर ड्रम वेरियंट की बात करेंगे तो लगभग आपको वहाँ पे 1200 से लेकर 1500 रुपये तक का प्राइस डिफरेंस रो मिलने वाला है। वही अगर बात करेंगे आपके इसके डिस्क ब्रेक के बारे में, जो आपको साइन में डिस्क ऑप्शन रो मिल जाता है, उसमें लगभग आपको 1500 से लेकर 1800 से 2000 रुपये तक का प्राइस डिफरेंस इन्हों मिलने वाला है। मैक्स टू मैक्स गाड़ी 2000 रुपये तक महंगी हो सकती है। ये अगर प्राइस की बात करेंगे तो ये जो आपके ऑल न्यू प्राइस लागू होने वाला है, ये आपका हो जाएगा आपके ऑल न्यू 2022 की स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। 2022 की जनवरी से ही आपको 1 जनवरी 2 जनवरी से इसकी ऑल न्यू प्राइस आ जाएगी। वहीं पर अगर एसपी की बात करेंगे तो एसपी की ड्रम वेरियंट की बात करेंगे तो लगभग 1500 से लेकर 1800 रुपये तक का प्राइस डिफरेंस इन्हों मिल जाएगा। महंगी हो जाएगी आपकी गाड़ी, नो डाउट आपकी गाड़ी महंगी होने वाली है। जहाँ पर अगर मान लीजिए आपको डिस्क ब्रेक 1 लाख रुपये कॉस्ट करती थी, वहीं पर अब आपको ये गाड़ी 1,02,000 रुपये ऑन रोड कॉस्ट करेगी। तो बिल्कुल अगर आप में से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी शानदार बाइक लेने सोच रहा है, इन दोनों में से कोई भी बाइक लेने सोच रहा है कि दोनों ही 125 की बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर बाइक है, तो बिल्कुल जल्द से जल्द जाके गाड़ी ले ले, वो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। नहीं तो आने वाले डेज में आपको इसके लिए ज़्यादा पैसे पेमेंट करने पड़ सकते हैं, लगभग 150 से 200 रुपये का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है। बाकी आप लोग इसके लिए नियर बाई शोरूम अपने एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हर शोरूम में ये नोटिफिकेशन आ चुका होगा, हर शोरूम में मैसेज आ चुका होगा क्योंकि जो ऑल न्यू गाड़ी की प्राइसिंग है वो बढ़ने वाली है। जो लोग भी लेने का सोच रहे थे 125 की होंडा की तरफ से बाइक, क्योंकि होंडा की लाइनअप में आपको यही दो बाइक देने को मिलती हैं, जहाँ पे एसपी 125 ज़्यादा फीचर्स आती है, वहीं पे अगर बात करेंगे साइन के बारे में तो साइन आपको कम फीचर्स आती है। एसपी के दोनों ही मॉडल में लगभग आपको 1500 से लेकर 2000 रुपये तक का प्राइस डिफरेंस आराम से देने को मिल जाएगा। 2000 के आसपास मैक्स टू मैक्स गाड़ी महंगी हो सकती है। तो ये कुछ रहने वाला आपके एसपी और साइन का ऑल न्यू प्राइसिंग पॉइंट और ये प्राइसिंग डिफरेंस रहने वाला है। क्यों प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है? हाँ देखिए, कंपनी ने भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं किया है, कंपनी अभी कोई भी चीज़ क्लियर करना नहीं चाह रही है। कोई भी चीज़ अभी तक कंपनी ने नहीं बताया कि क्यों इनकी प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है। लेकिन आप इतना जानिए, जो भी टैक्सेस इंक्रीज होते हैं डे बाई डे और जो भी आप पेट्रोल का कॉस्ट देख रहे हैं, कि मेन जो इफेक्टिव चीज़ है वो पेट्रोल की कॉस्टिंग है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होती है गाड़ियों की हर जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस। अगर आपकी नियर बाई शोरूम में गाड़ी पहुँच रही है तो पेट्रोल वहाँ पर लग रहा है, अगर ट्रक से आ रही है, किसी भी चीज़ से आ रही है, कि वो भी गाड़ी से ही आएगी, तो वहाँ पर आपकी जो भी गाड़ियाँ पहुँची शोरूम में वहाँ पर उनका पेट्रोल डीजल जो भी लग रहा है, तो उसके देख सकते हैं आप लोग जो डे बाई डे प्राइसिंग इंक्रीज होते जा रही है, वो फंड कंपनी को कहीं ना कहीं से तो निकालना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंपनी लेगी। तो आपको देख सकते हैं गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और फाइनली ये 5वें 6वें बार जब गाड़ी की ऑल न्यू प्राइसिंग आ गई है। तो ये रहने वाली फ्रेंड्स आपकी ऑल न्यू प्राइसिंग आपकी दोनों ही गाड़ियों के लिए। तो आप जो भी गाड़ी लेंगे सोचें जल्द से जल्द अपने नियर बाई शोरूम में जाकर गाड़ी जरूर ले लीजिएगा, ताकि अगर आप अभी आपके पास लगभग 6 से 7 दिन बाकी हैं तो 6 से 7 दिन में अगर आप लोग गाड़ी ले लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आने वाले 2022 में आपको इन्हीं गाड़ियों के लिए लगभग 150 से 2000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो बाकी ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम था बताना, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि तो आपके लिए हम छोटी सी बड़ी अपडेट एकदम रोजाना लेके आते हैं और आपके लिए एकदम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं। बाकी अगर आपको ये बात हमारी गलत लग रही हो तो अपने नियर बाई शोरूम में आप लोग जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आ चुकी होंगी, तो वहाँ आपको भी आपको ये ऑल न्यू प्राइसिंग जरूर लोग बता देंगे। जरूर आप लोग अपने नियर बाई शोरूम में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए बहुत ही लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम हमसे अप टू डेट रखें, सारे बाइक और स्कूटर के जितने न्यूज़ आते हैं सारे से अप टू डेट रखें। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में भेजकर पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी को बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी अधिक से लोगों को शेयर करिएगा, ताकि बहुत लोगों को पता चल सके कंपनी प्राइस इंक्रीज करने जा रही है और जो लोग भी कोई भी बाइक लेने सोच रहे थे होंडा कॉपी तरफ से, वो जल्द से जल्द अपनी ऑल न्यू बाइक परचेस कर लें, ताकि सबके पैसे बच सके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आप बहुत लोगों के पैसे आप बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भी जितना हो सके